बल देने वाले हैं। हमारी सरकार ही है जो महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गई है, वरना पहले वो भी एक जमाना था कि गौर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान ही याद आते थे। गौर परिवारवादियों और गणगौर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन मैं 2 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक काम हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स के बजाय, जात पात के भेदभाव के बजाय, मेरा जिला तेरा जिला, मेरा क्षेत्र तेरा जिला क्षेत्र, पश्चिम यूपी पूर्व यूपी मध्य यूपी, ये सारे भेद मिटा करके सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास की राजनीति को हमने केंद्र में रखा है। दूसरा ये कि कोरी घोषणाओं के बजाय हमने सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जिनके वो हकदार है और जिनको सरकार की योजनाओं की सबसे अधिक जरूरत है। हम जानते हैं पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए नेताओं के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना शुरू कर दिया। आप देखिए, पीएम किसान का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, बच्चों के वजीफे का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में, गैस सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में, पेंशन का पैसा सीधे आपको बैंक खाते में। यही सुशासन है जो आपके एक एक वोट ने सुनिश्चित किया है। इस बार भी आपका हर वोट यूपी में सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। साथियों, ये गौर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, और ये गठबंधन पक्का होता है कि नहीं होता है, दूर दूर तक पहुंचने वाला होता है कि नहीं होता है। और इसलिए हमारा गठबंधन जनता जनार्दन से होता है। भाजपा का गठबंधन चंदौली के उन लाखों लाख गरीब दलित पिछड़े भाई बहनों से है जिनको इस कोरोना काल में हमने भूखे पेट सोने नहीं दिया।
गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले 2 साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन चंदौली के हर नागरिक से है, जिसके जीवन की हमें चिंता थी, जिसे हमने कोरोना का मुफ्त टीका लगाया, सबको लगाया, तेजी से लगाया। आपका टीका लगाया क्या? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपका टीका लगाया क्या? आप सबको टीका लगा है? आपको टीका लगाने का पैसा देना पड़ा क्या? पैसा देना पड़ा क्या? जेब से 1 रुपया भी देना पड़ा क्या?